Good morning, students. Yes, students, today we will do our next unit, 12th, exercise 12B, question number 4th. Let's check this. Yes, this is the figure in which triangle ABC is given and BC side is produced up to side D. देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, जैसे कि आप देख रहे हो ट्रायंगल के अंदर, ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल की साइड प्रोड्यूस कर दी है और यहाँ पे 100 डिग्री बन रहा है, तो हमको तीनों एंगल निकालने हैं, ये वाला भी एंड दिस. समझ आ गया? ए बी सी, और फिगर में आप देख रहे हो ए की वैल्यू 3x है, बी की 2x है और सी हमको इंटीरियर एंगल निकालना है. अब हमको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता थी कि जो बाहर वाला एंगल है इन दोनों एंगल के इक्वल है. ये देखिए 2x गिवन है, 3x गिवन है, 100 गिवन है. समझ आ गया? अब ए सी डी जो बाहर वाला एंगल है, हमको पता है बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल है ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. समझ आ गया? ए सी डी किसके इक्वल है? बी ए सी प्लस ए बी सी. तो बी ए सी की वैल्यू 3x, ए बी सी की वैल्यू 2x, ए सी डी के नीचे 100, इक्वल टू नीचे इक्वल टू. नाउ 3x प्लस 2x विल बी 5x, 5x की वैल्यू 100 डिग्री. एज वी नो 5x मीन्स क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई ऑफ x मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड 5, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे? 20 डिग्री. अभी इस x की वैल्यू जो कि 20 डिग्री आई है, हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे 2x में. देखिए x की वैल्यू 20 डिग्री है तो मैंने एंगल ए बी सी में पुट करी 2x, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 20, 40 डिग्री. बी ए सी 3x, 3 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है बच्चों? नाउ थर्ड एंगल निकालने के लिए हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम, ये हमारे पास दोनों एंगल आ गए, ये हमारा 40 डिग्री आ चुका है, ये 60 डिग्री आ चुका है. अब हमको ये निकालना है, ठीक है, सी एंगल. अब हमको पता है मेरे बच्चों क्या, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ड्यू टू ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण. तो ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की वैल्यू 40 डिग्री, सी की वैल्यू 180 डिग्री, सॉरी सी हमको निकालना है. तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो 100, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 80 डिग्री. ठीक है बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 5th देखिए. क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और हमको ये एंगल दे रखा है क्यू आर एक्स. ठीक है, अब क्यू आर एक्स जो आप देख रहे हो नीचे, क्यू आर एक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये वाला. ठीक है बच्चों, क्यू आर एक्स का इंटीरियर एडजेसेंट्स का मतलब होता है साथ वाला. ठीक है बच्चों, तो इसके साथ वाला एंगल कौन सा है? ये, इसका नाम देंगे पी आर क्यू, या नाम दे सकते हैं क्यू आर पी, दोनों एक ही बात है. ठीक है, सेकंड पार्ट, इंटीरियर अपोजिट एंगल. इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों. समझ आ गया? एक ये वाला पी साइड, एक क्यू साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल पी क्यू आर और क्यू पी आर. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6th में क्या है बच्चों, अब ए सी एक्स ये जो एंगल है, ठीक है, हमको ये बताना है एंगल ए सी एक्स किन दो एंगल के इक्वल होगा. तो ये क्या होगा, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किन दो एंगल के इक्वल होगा? एक ये, एक ये. समझ आ गया? ये वाला एंगल जो है, एक तो इस एंगल के इक्वल होगा, एक इस एंगल के. इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी, और इस एंगल का नाम क्या है? ए बी सी. समझ आ गया? सी बी वाई देखिए, सी बी वाई ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, इसको छोड़ के एक इसके इक्वल होगा, ये एंगल के, एक ये वाले एंगल के. तो नाम क्या हो गया? बी ए सी और ए सी बी. अब मैं बात करूं बी ए जेड ये वाला एंगल की, जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल इसको छोड़ के इन दोनों के इक्वल होगा. किस किस के? एक इसके, एक इसके. तो ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी. समझ आ गए बच्चों? नाउ 7th क्वेश्चन देखिए.
सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, हमें अगेन जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, हमने ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है और इस सी पार्ट की निकालनी है, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है, जो क्वेश्चन मार्क ड्रा कर रहा हूँ, तो ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, कैसे, बिल्कुल डिटो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह है। देखिए पहले जो बाहर वाला एंगल है इन दोनों के इक्वल होगा, एक्स प्लस एक्स, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, 100 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 2 जब उधर जाएगा डिवाइड में, 100 डिवाइड टू 50 डिग्री आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब आपको पता है ये 50 आ चुका है, ये भी 50 आ चुका है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। नीचे देखिए कि ए बी सी और बी ए सी 50 डिग्री आ चुका है, ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 50 प्लस ए सी बी प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, 50 प्लस 50 100, जब 100 दूसरी साइड जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ए सी बी कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी फिगर नहीं दे रही, हमको खुद बनानी है, जो मैंने यहाँ पे बना रखी है आपको, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती थी, एक एंगल क्या होता था 90 डिग्री, तो मैंने बी पे क्या बना दिया 90 डिग्री, और जो बाकी दोनों एंगल है दोनों एक्यूट एंगल होते थे, ठीक है, तो जो ये एंगल है ये 49 डिग्री गिवन है, एक एंगल, सेकेंड एंगल हमको फाइंड आउट करना है, समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन क्या था। देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी, बी पे हमारे पास क्या है राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी इक्वल टू 90 है, सी 49 है, ए हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे कि हमको पता है एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ए प्लस 90 प्लस 49 इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करो 139, जब ये दूसरी साइड जाएगा बच्चों इसको माइनस कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दो पार्ट हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया है बच्चों, देखो ध्यान से क्या होगा, अब अगर आपको देख रहे हो ध्यान से ए बी सी डी, देखिए पीछे ए बी सी डी, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 प्लस 70 प्लस एक्स, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू ए एस पी। नाउ 60 प्लस 70 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस जब दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50 डिग्री। नाउ इधर आ जाइए, x 50 डिग्री आ चुके, अब ये देखो ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता था बच्चों 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर LP, तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या किया मैंने, ये 50 जो है ये 50 दूसरी साइड गया माइनस का हो गया, 180 माइनस 50 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। नाउ x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, अब हम सेकेंड ट्रायंगल पे देखेंगे, ठीक है बच्चों, ऑन द राइट हैंड साइड ये ट्रायंगल है आपके पास, ये देखिए ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है इस साइड वाला, तो इसका प्लस इसका प्लस इसका तीनों एंगल का सम क्या होगा अगेन 180 डिग्री, 30 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो 30 प्लस वाई 130 डिग्री प्लस जेड, 30 प्लस 130 160 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, 160 जब दूसरी साइड जाएगा बच्चों जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th बच्चों क्वेश्चन नंबर 8th की तरह है, क्या गिवन है हमको, एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, जो कि अगेन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है बच्चों, हम अज्यूम कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हमने दोबारा फिगर बना ली अपने आप से, पी क्यू आर, और जो दो एक्यूट एंगल हैं उनकी रेशो दे रखी है 4:5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो रेशो में एंगल है उसको एक्स मान लेंगे, एक को 4x मान लिया, दूसरे को 5x। देखिए यहाँ पे, लेट एंगल पी एंड एंगल आर इज 4x एंड 5x। तो अगेन अब हमको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, 4x प्लस 90 प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4x प्लस 5x 9x प्लस 90, जब प्लस 90 दूसरी साइड जाएगा माइनस 90, 9x बचा, 9x इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ 9 मल्टीप्लाई जब दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, 90 डिवाइड 9 डेट विल इक्वल टू 10 डिग्री। नाउ इस 10 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे 4x और 5x में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड टुडेज लेक्चर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमको वाई जेड और ये एक्स, एक्स वाई जेड तीनों एंगल का जो सम है 360 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। अब हमको पता है कि एंगल वन जो अंदर वाले एंगल हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, इन तीनों का सम हमको पता है बच्चों, अंदर वाले तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री ड्यू टू एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रेट लाइन की, टू प्लस जेड स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री ड्यू टू एलपी, एलपी मीन्स लीनियर पेयर। अगेन यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स प्लस 3 इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, 3 प्लस एक्स अगेन ड्यू टू लीनियर पेयर। नाउ मूव ऑन टू अपर साइड, ये भी क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस 5 का एंगल 1 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन विल बी द सेम लीनियर पेयर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है इन तीनों को प्लस, इक्वल टू के राइट हैंड साइड है इन तीनों को प्लस, ये देखनी चाहिए, एडिंग 1, 2 एंड 3, 2 प्लस जेड प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180, बिल्कुल यही लिखा हुआ नीचे। अब मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को अलग लिख दिया, 1, 2, 3 को अलग लिख दिया ऊपर में से ही, देखिए ये जेड है, ये एक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है, समझ आ गया, अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद इन तीनों का सम हमको पता है कितना है, 180 डिग्री। अब जब ये प्लस दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 540 माइनस 180 डेट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। सो डेट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।